दोस्तों मोबाइल गेम की वजह से एक बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी। हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप बस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मोबाइल फोन के कितने लाभ या फिर फायदे हैं और हम मोबाइल का यूज किन कामों में कर सकते हैं। फायदा नंबर वन, हम मोबाइल की मदद से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर बैठकर बात क्यों ना कर रहा हो। फायदा नंबर टू, अगर हमें किसी भी जगह पर जाना होता है तो हमें लोगों से ये नहीं पूछना पड़ता है कि इसका रास्ता कहाँ से है, वहाँ हम गूगल मैप की मदद से जा सकते हैं। फायदा नंबर थ्री, आज मोबाइल का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम मोबाइल में इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप का यूज कर रहे हैं। वैसे तो मोबाइल के फायदे बहुत हैं जिसे हम यूज भी करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। और मेन बात तो ये है कि मोबाइल हमारे लिए जितना फायदेमंद है उससे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मोबाइल चलाने से हमारे ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं वो मैं आप किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे एक बच्चे ने अपनी माँ को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उस बच्चे का क्या हुआ। देखिए, आज से कुछ दिनों पहले की बात है, एक लड़का जिसकी उम्र 10 से 12 के बीच में है, कोरोना के चलते लॉकडाउन के समय उसके पेरेंट्स ने ऑनलाइन क्लास के लिए एक स्मार्टफोन लाकर दिया। उसके पापा पुलिस की नौकरी करते हैं और वे अक्सर बाहर रहते हैं और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। बच्चे का ऑनलाइन क्लास भी चल रहा था और उसके साथ ही साथ बच्चा मोबाइल में गेम भी खेलता है, और वो कोई ऐसा वैसा गेम नहीं बल्कि पबजी खेलता था। इस गेम को खेलते खेलते उस बच्चे को इस गेम की ऐसी ज़बरदस्त लत लग गई थी कि वो सिर्फ दिन भर गेम ही खेलता रहता था। जब उसके पेरेंट्स ने ये देखा कि ये तो हद से ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो एक दिन उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा और उसका मोबाइल भी छीन लिया, जिससे बच्चे को बहुत ख़राब तो लगा और साथ ही साथ बहुत गुस्सा भी आया। वह लड़का मोबाइल के लिए इतना तड़प रहा, बस उसे मोबाइल ही चाहिए था, वो चाहे किसी भी हालत में। उसके पापा भी घर नहीं थे, नौकरी के चलते उन्हें बाहर जाना पड़ा था। तो एक रात उसने डिसाइड किया कि आज तो मुझे मोबाइल लेकर ही रहना है। तो रात होते ही उन्होंने एक साथ खाना खाया और उसके मम्मी और उसकी छोटी बहन एक कमरे में सोने गई और वह लड़का दूसरे कमरे में गया, और वह लड़का बस ये इंतज़ार कर रहा था कि वे कब सोएंगे। जब वे सो गए तो लड़का धीरे धीरे अपनी मम्मी के कमरे में गया और धीरे से अलमारी को खोला और अलमारी से एक गन निकाली। गन पूरी लोडेड थी। उस लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने गन चला दी। उसने अपनी माँ की छाती पर पूरे 6 बुलेट उतार दी। उसी बीच उसकी बहन उठ गई और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वो लड़का अपना अलमारी से मोबाइल लेकर कमरे से बाहर चला गया और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया और अपने कमरे में जाकर अपने सारे दोस्तों को अपने घर में बुलाया और रात भर पार्टी किया। कुछ दिन तक ये चलता रहा और उसकी छोटी बहन अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रोती रहती। कुछ दिनों बाद लाश के सड़ने की बदबू फैलने लगी और लोगों को पता चल गया और उसके पापा भी घर आ गए और फिर उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और अपनी माँ की मर्डर केस में उसे चिल्ड्रन जेल में भी डाल दिया गया। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को ऐसी बुरी लत ना लगने दें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि मोबाइल हमारे लिए जितना अच्छा साबित होता है उससे कई गुना खराब साबित हो सकता है। तो ये थी सच्ची घटना। तो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।